गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आशो फैशन और मैं हूँ आतुकी ऐश्वर्या। इस वाले वीडियो का सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख के समझ रहे होंगे, अंडरआर्म से रिलेटेड होने वाला है। अंडरआर्म को शेव करते हैं तो क्या गलती करते हैं, करने से पहले, करने के बाद और करते समय आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अंडरआर्म्स को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं आपके अंडरआर्म्स में बिल्कुल भी कमी ना हो, यानी कि गला ना पड़े, दाने ना हो, पिंपल्स वगैरह ना हो और आपके अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। बाय द वे, अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि आपको कौन सा रेजर यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है एंड आपके अंडर आर्म्स ब्लैक हो गए तो उसको व्हाइट सर्च करना है, इन सभी में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, उसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। चलिए इस वाली वीडियो को आप भी शुरू कर लेते हैं, लेट्स ट्यूटोरियल। सबसे पहली जो गलती आप करते हैं अंडरआर्म को शेव करते समय वो होता है खराब ब्लेड का यूज़ करना। आप खराब ब्लेड का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, एक अच्छी सी ब्लेड का यूज़ करें। सेकंड थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अंडरआर्म को शेव करते समय उसके पहले आपने अंडरआर्म को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद ही आपने शेविंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। थर्ड, जब भी आप अंडरआर्म को शेव करते हैं और आपने उसको साफ़ कर लिया है, अगर आपको थोड़ी सी भी इरिटेशन वगैरह हो रही है अंडरआर्म को शेव करते समय, तो आपने शेविंग जेल का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना है। फोर, जब भी आप अंडरआर्म को शेव करते हैं तो उससे पहले आपने अच्छे तरीके से क्लीन करना है और मेक श्योर करें कि आप अच्छा वाला स्क्रब यूज़ करें। बॉडी चॉकलेट स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कॉफ़ी वाली स्क्रब, बहुत अच्छा होता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा एक्सफोलिएट हो जाती है और रिमूव करने में हेयर को बहुत आसानी हो जाती है। इट्स मीन आप रेजर वैक्स स्ट्रिप जो भी यूज़ करते हैं ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मूव करने में बहुत आसानी हो जाती है और हेयर अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। फिफ्थ, जो गलती आप हमेशा ही करते हैं, यूज़ करने के बाद आपने ब्लेड को अच्छी तरीके से साफ़ करना है। रनिंग वाटर में उसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लीजिए, सारे सारे हेयर्स आपके हट जाने चाहिए। उसके बाद आप उसको स्टोर कीजिए, थोड़ा सा पोंछ लेने के बाद उसको आप स्टोर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। शेविंग करने से पहले आपको वहाँ पे गर्म पानी का यूज़ करना है। गर्म पानी के यूज़ से आपके हेयर्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से, थोड़ी देर बाद जब आप रेजर स्ट्रिप्स वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं, तो इसको आपने ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप शेविंग करने के लिए रेजर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हर डायरेक्शन में मूव कराइए, बिकॉज क्या होता है हमारी हेयर ग्रोथ का भी अप टू डाउन, डाउन से अप, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट होती है, तो आपको हर डायरेक्शन में उसको मूव कराते रहना है। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप शेव करते हैं उसके बाद आपने शेविंग ऑयल को जरूर लगाना या फिर अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज करना है। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप अंडरआर्म्स पे रेजर के जगह वैक्स स्ट्रिप का यूज करते हैं तो आपने यूज करने के बाद अच्छे तरीके से उसके जेल को पोंछ लेना चाहिए। फिनिशिंग वाइप का जरूर से जरूर यूज कीजिए, क्योंकि जेल बहुत ही आसानी तरीके से हटते नहीं है, अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि आप अंडरआर्म को शेव करते हैं तो आपने हैंड को बहुत ज़्यादा टाइट रखना है, लूज़ नहीं रखना है। लूज़ आप रखेंगे तो आप अपने अंडरआर्म्स को कट कर लेंगे, जो मैं नहीं चाहती, तो इसलिए आपने इस तरीके से पूरा का पूरा टाइट रखना है, जिससे अच्छे तरीके से आपके हेयर भी रिमूव हो जाएंगे और आपको कोई कट्स वगैरह भी नहीं होंगे। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी आप शेविंग कर लेते हैं उसके तुरंत बाद आपने स्लीवलेस टॉप को वियर नहीं करना है। कुछ इस तरह की टॉप आप वियर कर सकते हैं, बिकॉज हमने शेविंग की हुई है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो रैशेज वगैरह भी पड़ने के डर होते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप फुल स्लीव वाली टॉप पहने। एक दिन आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद आप स्लीवलेस टॉप वो पहन सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अपने अंडर को शेव करते समय, शेव करने के बाद और शेव करने से पहले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सभी को अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चाहिए अपने, और अंडरआर्म्स को ब्यूटीफुल करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, तो आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स खाली आप सबके लिए, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही अमेजिंग से वीडियोस लाती रहती हूँ, तो चैनल पर नए आऊँगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटा सा बेल आइकन है उस पर हिट कर दीजिएगा, और इस वाली वीडियो को अगर बहुत अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, बाय बाय बाय।